गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग यू चैप्टर 17 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 17। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, लेट मी टेक द बुक फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवेंट, आपको बताना है कि कौन सा इवेंट है। आपको बताना है कि कौन सा इवेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवेंट, इवेंट बताना है। ए पार्ट दिया हुआ है टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को आपने टॉस किया, ये एक इवेंट नहीं है। कॉइन को टॉस करना, डाइस को, कॉइन को टॉस करना, डाइस को थ्रो करना, कार्ड को पुल करना, ये एक इवेंट नहीं है। हेड और टेल ये टोटल इवेंट्स होते हैं, हेड और टेल भी इवेंट नहीं है, ठीक है। जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही है, शोइंग अप हेड। जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो हेड आ रहा है तो एक इवेंट है, टेल आ रहा है तो दूसरा इवेंट, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक होगा। इज इट ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर टू। इन क्वेश्चन नंबर टू इट इज रिटन दैट अ डाई इज थ्रोन, एक पासे को आपने फेंका, क्या आएगा इसमें? वन आएगा, लूडो आप सब खेलते होंगे, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री फोर फाइव और सिक्स आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता, यही नंबर होते हैं डाइस के ऊपर। You have to tell what is the probability of getting six. Six आने की probability क्या होगी? Probability of getting six. Total events कितने? Total outcomes कितने? One, two, three, four, five, six. Total we will write in the denominator and numerator में you have to write what you want. What you want number 6. 6 कितने times यहाँ पे आ रहा है? Only one time. So you will write 1. So probability of getting 6 will be 1 upon 6. It means B option is okay. B option is correct. Sure, are you understanding? Sure, Sharma, Ramsha. Very good, very good. In between, I am checking whether you are seeing the video or not. बीच में मैं देख लेता हूँ, बीच में उधर से फिर आप कहते हो सर कहाँ चले गए, तो इसलिए मैं देखता हूँ कि वीडियो कहीं पॉज तो नहीं हो गई। थर्ड क्वेश्चन, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, दो कॉइन्स को आपने टॉस किया एक साथ, दो कॉइन को, ठीक है। आउटकम्स क्या क्या आएंगे? टू कॉइन्स हैं, टू कॉइन्स का मैंने आपको कल बताया था, इधर हेड विल कम ऑन बोथ द कॉइन्स, एक तो इवेंट ये हो गया। इट माइट बी पॉसिबल कि फर्स्ट वाले में हेड आ जाए, दूसरे वाले में टेल आ जाए, ये भी हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए सेकंड में हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। इज इट ओके? इट मीन्स टोटल आउटकम्स कितने हो गए इसके? टोटल आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। सैंपल स्पेस अगर आपसे कहा जाए, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ टू कॉइन्स व्हेन टॉस्ड, दो कॉइन्स के सैंपल स्पेस लिखने के लिए कहें, सैंपल स्पेस मीन्स टोटल आउटकम्स। तो इसके टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? फोर, ये है टोटल सैंपल स्पेस, ये है 1 2 3 4, दिस यू हैव टू राइट। दिस इज वेरी क्लियर दैट इन व्हेन टू कॉइंस आर टॉस्ड इन डिनोमिनेटर ओनली फोर विल कम, क्योंकि दो कॉइन में टॉस करने में फोर सैंपल स्पेस होता है, यानी टोटल आउटकम्स फोर होता है। तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी आप दो कॉइंस में निकालेंगे डिनोमिनेटर में फोर आएगा। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड आए और वन टेल आए।
वन हेड और वन टेल कितने में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है, इसमें दोनों हेड आ रहे हैं, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें दोनों टेल्स आ रहे हैं, एक इसमें और एक इसमें। इट मीन्स कितने आउटकम्स फेवरेबल है आपके? टू। इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, वन अपॉन टू विल बी द आंसर। और वन अपॉन टू दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, इट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक होगा। इज इट ओके? इज इट ओके? नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू क्वेश्चन नंबर फोर। जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ दीज थ्री क्वेश्चंस। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, देख लीजिए, आफ्टर दैट आई विल क्लीन द ब्लैकबोर्ड। इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम इन द सॉल्यूशन ऑफ दीज थ्री क्वेश्चंस, यू आर फ्री टू आस्क। पूछ लीजिए आप, आई टेल यू। नाउ आई एम क्लीनिंग द ब्लैकबोर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर। इन फोर्थ क्वेश्चन, लेट मी टेक द बुक अगेन। इन फोर्थ क्वेश्चन इट इज रिटन दैट अ बैग कंटेन्स फोर रेड मार्बल्स। रेड मार्बल्स हाउ मेनी आर देयर? रेड मार्बल्स आर फोर इन नंबर, सेवन ब्लू मार्बल्स। ब्लू मार्बल्स कितने हैं? सेवन। एंड फोर ग्रीन मार्बल्स। ग्रीन मार्बल्स हाउ मेनी आर इन नंबर? ग्रीन मार्बल्स आर अगेन फोर। टोटल इज 15 टोटल मार्बल्स। टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स आर 15। इट मींस वी विल राइट 15 इन द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड मार्बल। यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द रेड मार्बल्स। रेड मार्बल निकालने की, रेड के कितने हैं? फोर। टोटल इज 15। सो 4/15 इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। 4/15 आ रहा है ए ऑप्शन में, इट मींस इसका ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। इज इट ओके? इज इट ओके? वेरी गुड। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू क्वेश्चन नंबर फाइव। इन क्वेश्चन नंबर फाइव, 5 to 20 नंबर्स आर गिवन। वी विल राइट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। यू नीड नॉट टू राइट ऑल द नंबर्स। मैंने इसलिए लिखा है कि आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन इवन नंबर। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट फाइंड टोटल नंबर्स। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? टेल मी, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? फ्रॉम 15 टू 20 वी आर हैविंग 16 नंबर्स। काउंट कर लीजिए आप, 16 होंगे 15 से 20 तक। नाउ फाइंड हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर। इवन नंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So we will write even numbers 8. You have to find the probability of finding an even number. Even number की probability के लिए जो even number है वो ऊपर लिख लीजिएगा, it means 8. And total numbers you have to write in denominator, that is 16. Cancel it with 8. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. 1 upon 2 is the answer of this question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1 upon 2 है, it means A option जो आपका है वो आपका answer होगा। Today I have explained you multiple choice questions. Tomorrow I'll explain you revision and mental math. Then after doing revision
एंड मेंटल मैच दिस चैप्टर विल बी ओवर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम डू आस्क मी, आई विल टेल यू अगेन. सो आई एम एंडिंग दिस सेशन फॉर टुडे.